अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्या चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत होंगे, शुक्र अल्लाह पाक का। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आज मैं स्वीट मिल्क की रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। ठीक है, इसके लिए हमें एक बड़ा बॉल ले लेना है, ठीक है, मिक्सिंग बॉल, जिसमें हमने एग वाइट जो हिस्सा है 4 eggs का, उसको हमने अच्छी तरह बीटर की मदद से बीट कर लेना है। अच्छा, मैंने इसके साथ इलेक्ट्रिक बीटर ले लिया है, आप चाहें तो हैंडमेड बीटर के साथ भी इसको कर सकते हैं। इसके बाद मैंने चीनी पीस ली थी, ठीक है, उसके जो सा है हाफ जो है हमने इसके अंदर शुगर ऐड कर देनी है और हाफ जो सी हमने दूसरे उसके अंदर ऐड करनी है एग्स के अंदर। जैसे ही फ्लफ़ी होंगे तो हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे, जैसे कि आपके सामने हमने चीनी ऐड कर दी है। लॉट ऑफ टाइम टू बीट, इसलिए आप जो सा है वो बीटर का ही यूज़ करें, इलेक्ट्रिक तो बेहतर रहेगा। ठीक है, ये 1 मिनट तक हमने इसको जो सा है बीट कर लिया है। इसके बाद हमने इसमें हाफ जो थी शुगर वो इसमें ऐड कर दी। उसके बाद अब हम दूसरा जो सा है वो बॉल में डाल देंगे इसको। अच्छा, मैदे को जो सा है हम अच्छी तरीके से नमक और वो बेकिंग पाउडर डाल के तो हम इसको छान लेंगे। छानने के बाद जो सा ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो सी है हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम एग वाइट और योक जो है उसको दोनों को मिक्स कर लेंगे और साथ ही हम ये जो मैदे का जो हमने इंग्रेडिएंट्स तैयार किया था इसको साथ ही हम इसमें मिक्स करते जाएंगे। अच्छा जी, मैदा थोड़ा थोड़ा सा डाल के हमने जो सा स्पैचुला की मदद से मिक्स करते जाना है और ये इस तरह का मिक्सचर जो सा है वो हमारे पास रेडी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने जो सा है ये जो सफ़ेदी वाला हिस्सा है जो एग वाइट है उसको भी हमने इसमें मिक्स कर देना है और स्पैचुला की मदद से हमने एक ही जो सा है हल्के हाथ से इसको मिक्स करना है। और हम एक पतीली ले लेंगे, उसको जो सा है हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद इस पर हम बटर पेपर लगा लेंगे। ठीक है, बटर पेपर लगाने के बाद जो सा है हम इसको, अच्छा जी, हमने ना दो पतीले ले लिए थे। ठीक है, एक जो बड़ी पतीली थी उसमें हम केक वो रख देंगे चूल्हे पर। ठीक है, और जो छोटी पतीली थी उसमें हमने जो सा है ये सारा मिक्सचर डाल के टैप टैप कर लिया था ताकि कोई भी लम्स ना बने। ठीक है, और ये डालने के बाद हमने जो सा है चूल्हे पे इसको रख दिया था बेक होने के लिए 40 मिनट्स से 50 मिनट्स के अंदर ये तैयार हो गया था। और साथ हमने दो जो सा है ऑलपर्स की क्रीम ले लेनी है, ऑलपर्स दूध के 2 पैकेट ले लेने हैं, कंडेंस मिल्क ले लेना है और इन सब चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। ठीक है, और साथ जौन सा है ये जौन सा हम 3 मिल्क का हम जो ये बना रहे हैं या इसको हमने जौन सा है केक कट करके उसके ऊपर हम इसको अप्लाई करेंगे। हमने जौन सा है कंडेंस मिल्क का पूरा जो हमने आपके सामने जो 3 था वो पूरा डाल दिया है, 2 पैक हमने क्रीम्स के डाल दिए 2 दूध के, तो ये इस तरह ये हमने बीटर की मदद से हैंड बीटर जो है उसकी मदद से हमने इसको बीट कर लेना है, अच्छी तरीके से मिक्सअप कर लेना है। ठीक है, इसके बाद ये देखिए कितना मज़ेदार सा हमारा केक तैयार हो गया है, देख सकते हैं धुएं निकल रहे गर्म गर्म से और काफ़ी इस तरह भी काफ़ी मज़े का लग रहा था ये। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो है हमने केक को ठंडा करने रख दिया और जो सा है हमने व्हिपिंग क्रीम ले ली थी। ठीक है, वो भी मैं आपके साथ पैक की जब ये तस्वीर मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ठीक है, तो वो हमने ले ली है, एक छोटा पैक लेना है, उसके बाद फिर हमने उसको अच्छी तरह से बीट कर लेना है। ठीक है,
और ये व्हिपिंग क्रीम का मतलब ये होता है कि अच्छी तरह इसको बीट करना है। अच्छा ठीक है, अच्छी तरह से हमने इसको बीट कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद हमारा जो केक है वो ठंडा हो गया था, उसको हमने थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा हो गया था ठंडा, तो फिर हमने इसको ना फटाफट कट करने की। और ये कटिंग इतना खूबसूरत हुआ ना कि देखिए कितना प्यारा लग रहा है। उसके बाद फिर ये देखिए इस तरह हमने क्रीम को बीट करना है ताकि हम क्या करें तो ज़रा सी भी ना गिरे। ये जोंसी है, इसका मतलब होता है कि हमारी क्रीम जोंसी है वो असल सही वाली क्रीम है। अच्छा अब हम एक डिश ले लेंगे, डिश पे जो से हम थोड़ा सा वो जो हमने क्रीम बीट की है उसको लगा देंगे थोड़ा सा, ठीक है। और उसके बाद जो सा है हम जो हमने दो पीस किए थे केक के वो एक पीस रख के उसके बाद हमने जो है कांटे की मदद से इसमें सुराख कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद हमने जो ये थ्री मिल्क और उसके बाद क्या नाम है जो हमने क्रीम और कंडेंस मिल्क का जो मिक्सर तैयार किया था उसको हम ये चॉकलेट सिरप की बोतल में डाल के तो इसको जो है सारा हम इसको कर देंगे अच्छी तरह इस पर अप्लाई। उसके बाद फिर हम ये जो हमने क्रीम ली थी व्हिपिंग क्रीम इसको हम थोड़ा सा इस पर अप्लाई कर देंगे। उसके बाद फिर हम इसका दूसरा पीस भी इसके ऊपर रख के तो ये जो व्हिपिंग क्रीम है इसमें हम चॉकलेट सिरप डालेंगे। चॉकलेट सिरप डालने के बाद जो सा है अच्छा दूसरे पीस को भी हमने जो सा अच्छी तरह फोक की मदद से सुराख कर लेना है। और फिर दूसरा जो सा वो जो पीस है उसको हमने इसमें सारा दूध से कवर करके उसके बाद हमने इसके ऊपर रख देना है। ऊपर रखने के बाद हमने जो क्रीम में चॉकलेट सिरप डाला था वो हमने जो सा मिक्स करके इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। और ये हमारा बहुत डिलीशियस यम्मी सा जो सा है थ्री मिल्क केक तैयार हो जाएगा। प्लीज़ रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, वीडियो को फॉलो कीजिएगा, रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स बताइएगा आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ आपको भी बहुत पसंद आएगी और मुझे भी बहुत मतलब मुझे मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आई, बच्चों को बहुत पसंद आई और भी इनके दादो घर पर गई थी तो बहुत उनको भी अच्छी लगी। तो ये मेरी असिस्टेंट ने बनाया था, ठीक है। और ये सिस्टर ने इसलिए बनाया था ताकि जोंसी मेरी एनिवर्सरी थी, ठीक है, और हमारी जोंसी है एनिवर्सरी की खुशी में उसने घर में केक बनाया था ये थ्री मिल्क केक। तो ये बहुत डिलीशियस बहुत मज़े का बना था। और इसको जोंसा है 6 घंटे कम से कम आपने फ्रीज़र में रखना है, फ्रिज में नहीं फ्रीज़र में रखना है, क्योंकि ये एक जो क्रीम है ये मेल्ट होने लग जाती है। तो इसी लिए जोंसा है हमने इसको फ्रीज़र में रखना है और इसको जोंसा क्या नाम है सेट कर लेना है इसकी मदद से क्रीम को। और फिर हमने इसको फ्रिज में रख दिया और मैंने आपको इसका लास्ट जो था वो क्रेक केक जो है उसने फ्रीज़र में रख दिया था ठंडा होने। उसके बाद वो थोड़ा सा रिलैक्स हुई। उसके बाद फिर उसने जो है बलून्स मंगवाए हुए थे ढेर सारे, ठीक है। फिर उसने जो है पंप्स की मदद से उस बलून को फुलाया। उसके बाद फिर उसने टेप बलून्स की एक टेप होती है वो मंगाई हुई थी उसने, वो फिर उसने स्कील के साथ उसको लगाया और फिर फटाफट उसने लगाना शुरू कर दिया। अच्छा यहाँ पे मुझे मामा कह रही है कि मामा आप तो चची जान को आपने काम करने लगाया हुआ है तो मामा आप क्यों नहीं काम। तो सारे बच्चे इर्द गिर्द फिर रहे थे, फातिमा अपना काम शाम कर रही थी और मामा मुझे जो सा तंग कर रही थी। ओके कर दो धागे को कट करना है, क्यों कट करना है मेरी जान, धागे को आपने क्यों कट करना है। अच्छा मेरे आपने गिफ्ट बना है यहाँ पे लड़ाइयाँ शुरू हुई है कसम से। माइया फातिमा उसको पेंसिल दे दे कसम से, ये लड़की ना दिखाई जरा शक्ल दिखाई जरा। हुसैन ने मार्कल खोल लिया है। सारे पकड़ा मुझे आर मुझे कुछ ही समझ नहीं आ रहा। तेनू आने भी नहीं पुत्र, वो मोटा वाला मार्केट तो मुझे कहाँ है वो जो डबल टू। अच्छा जी ये सारा उसने सजा दिया था, उसने हैप्पी एनिवर्सरी भी लिख दिया था उसके ऊपर, जोन सा है ग्लिटर फेर दिया था सारा क्रेयॉन्स का, ठीक है। उसके बाद जोन सा है फिर बच्चे जोन सा खेलने लग गए थे, मैंने इनको चेंज वगैरह करवाया, रेडी शेडी करवाया और ये मैंने बेडशीट वाले की बिछा दी थी, ठीक है। उसके बाद जोन सा है
बच्चों के बाल छाल बना के मैंने अपने आप को भी मतलब कहा कि मैं थोड़ा सा सज लूँ, तो मैंने ये चूड़ियाँ चूड़ियाँ पहनी हैं और जो उनसे मैं टॉप्स पहन लिए थे, ड्रेस पहन लिया था और मैं रेडी हो गई थी। ठीक है, टाइम काफ़ी हो गया था, 12 से ऊपर टाइम हो गया। उसको मत बगाओ, वो अगर गिरा ना तो मैंने तुम्हारी वो कुट लगाने की तुम्हें याद रखोगी। और ये मेरे हस्बैंड आ गए थे, ठीक है, तो वो मेरे बुके लेके आए थे, तो मुझे इतनी खुशी हुई उनके बुके लाने की। ठीक है, उसके बाद जौन सा है, बच्चे जौन सा है थोड़ी सी फोटोग्राफी करने लग गए थे, हैप्पी बर्थडे करने लग गए थे। और हमारा काका जौन सा है वो बहुत खुश होता है, जैसे कि आपको पता है बच्चे जो बहुत खुश होते हैं हैप्पी बर्थडे में, हैप्पी उनको वो लगता है सारी बर्थडे ही है। तो इसी तरह करके मतलब बच्चे खुश हो रहे थे। और ये मुझे मेरी जो सिस्टर हैं उन्होंने मुझे और साथ को गिफ्ट दिया था, और ये मज़ेदार केक कट चुका है, हमने एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर ली है और सब खा रहे थे, सब ने बहुत तारीफ़ की केक की। और उमाइमा जोन सी अपनी चची जान की तारीफ कर रही थी कि चची जान बहुत टेस्टी बना, मैं चची जान बहुत टेस्टी बना। और साथ ही गिफ्ट खोलने की बारी आ गई, जैसा कि आपको पता है कि बच्चों को बहुत शौक होता है और बड़ों को बहुत शौक होता है कि गिफ्ट खोलें। तो ये मुझे उसने ड्रेस दिया था, तो ये काफ़ी खूबसूरत था, पर्पल कलर का ड्रेस था। और ये मैं इंशाल्लाह ये भी मैं सिलवाऊँगी। और साथ ये मेरे हस्बैंड की शर्ट और पैंट थी, ठीक है, उसने अपने भाई को भी मतलब कपड़े दिए और मुझे भी कपड़े दिए। ठीक है, तो ये थे हैप्पी एनिवर्सरी की तैयारी और सारा कुछ सेलिब्रेट करने का तरीका। और अपना जैसा ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब जो कि खिलाफ।